दोस्तों, जिस हथियार से अमेरिका सहित पूरे नेटो कंट्रीज खौफ खाते हो, इसके बारे में अलग अलग चर्चाएं करते हो, इससे बचने के समाधान ढूंढते हो, अपने फाइटर पायलट्स को ये कहा जाता है कि जिस इलाके से आप अपने फाइटर जेट को गुजारते हैं और उसके आसपास अगर कहीं S-400 डिप्लॉयड है तो उससे काफ़ी दूरी मेंटेन करके रखें, उसके बाद ही वहां से गुजरें। तो इस तरह की सारी चीज़ें मिला जुला कर S-400 को बना देती है दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम। इसमें कोई मत नहीं है कि भारत का DRDO भी इस तरह का हथियार बना रहा है। हमारा XRSAM लगभग इतनी ही कैपेबिलिटी के साथ आने वाला है, इतनी ही रेंज वाली मिसाइलें लगभग होंगी, इतनी ही रेंज वाले रडार सिस्टम ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर बात की जाए स्पेशली S-400 की, तो इसका नाम ही काफ़ी है। ये बैटल प्रूवन है और इसने अपनी क्षमताओं को कई कई बार प्रदर्शित किया है। सबसे बड़ी बात, जैसा वीडियो की शुरुआत में कहा कि अमेरिका सहित नेटो कंट्रीज अगर इसको लेकर किसी भी तरह का संशय अपने मन में रखती हैं, तो फिर भारत की जो दुश्मन है चाइना और पाकिस्तान, उनकी तो आप छोड़ ही दीजिए। इसी तरह की कुछ चीज़ें हुई है भारत के साथ। आप जानते हैं कि $5 अरब खर्च करके भारत ने 5 रेजिमेंट S-400 की खरीदी है, जिसमें से 2 भारत को मिल चुकी है, पहली तो ऑपरेशनल भी हो चुकी है बताया जाता है, पंजाब के किसी इलाके में भारत ने डिप्लॉय किया है, और ये बताया गया है कि ये पाकिस्तान की सीमा से 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अब आप सोचिए कि इतने नज़दीक दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार अगर आपने डिप्लॉय कर दिया, तो पाकिस्तान जैसा चूसा किस हद तक का डरा हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। और अब पाकिस्तान ने पहली बार इसी डर को एक्सप्लेन किया है और दुनिया के सामने भारत के इसी S-400 को लेकर अपना डर प्रदर्शित किया है। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं, आप जी भर के मजे लीजिएगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के जो स्पोक पर्सन है असीम इख्तियार अहमद, इनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल पूछा गया, जिसमें भारतीय वायुसेना द्वारा पंजाब प्रांत में डिप्लॉय किए गए S-400 को लेकर कुछ क्वेश्चन किए गए कि इसके ऊपर पाकिस्तान किस तरह की प्रतिक्रिया देता है, ये किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान भड़कते हुए, वो प्रवक्ता भड़कते हुए ये कहता है कि भारत निरंकुश तरीके से हथियारों को जुटाकर इस क्षेत्र में असंतुलन की स्थिति पैदा कर रहा है और भारत ने हथियारों की एक रेस शुरू कर दी है, जिससे कि पाकिस्तान के अंदर अशांति पैदा होती है। इसके अलावा जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही वो ये थी कि ये पाकिस्तान की सीमा से 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो ऐसी परिस्थिति में ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा खतरा बन सकता है। वैसे इस प्रवक्ता ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत ने जिस एरिया में इन S-400 को डिप्लॉयड किया है, ये इतने ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं खासकर पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान का कोई भी फाइटर प्लेन या किसी भी तरह का एवॉक्स वगैरह हो गया, ये टेक ऑफ करते ही भारत को पता चल जाएगा। क्योंकि S-400 के अंदर जो मैक्सिमम रेंज वाली मिसाइल है वो तो 400 किलोमीटर वाली है, लेकिन इसके अंदर जो रडार सिस्टम लगे हुए हैं वो 500 किलोमीटर का कवरेज देते हैं। अब 100 किलोमीटर की दूरी पर समझ लीजिए LOC से हमने इसे डिप्लॉय किया है, तो ऑब्वियसली ये LOC के उस पार जाकर भी कम से कम 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाले सभी एयर बेसिस वगैरह को डिडक्ट कर पाएगा, तो उनके फाइटर प्लेन जैसे ही टेक ऑफ करेंगे वो हमें पता चल जाएगा। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग यहीं से मिसाइल फायर करके पाकिस्तान की सीमा के उस पार अगर 300 किलोमीटर की रेंज में भी कोई फाइटर जेट टूट रहा है, तो उसे बड़ी आसानी से शॉट डाउन कर पाएंगे। ये कैपेबिलिटी भारत के अंदर आ चुकी है, जिसको लेकर पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही चिंतित है। यानी पाकिस्तान के फाइटर जेट भारत के एयर स्पेस में घुसे ये तो छोड़ दीजिए, जब वो उन्हीं के एयर स्पेस में काफ़ी अंदर तक होंगे, तभी हम लोग उन्हें मार गिरा पाने की क्षमता हासिल कर चुके हैं। अब इन्हीं सबको लेकर घोर चिंता जाहिर करते हुए पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन तक भारत की शिकायत करने की बात कही है। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये एक आर्म्ड रेस शुरू कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र में अशांति फैलाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। वैसे S-400 के बारे में जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं मैं कि S-400 के अंदर 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें मौजूद होती हैं, तो काफ़ी लंबी दूरी से और काफ़ी कम दूरी से भी ये दुश्मन के किसी भी टारगेट को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी हवा के अंदर दुश्मन का कोई ड्रोन हो, फाइटर जेट हो, उनकी किसी तरह की कोई मिसाइल हो, इन सभी के ऊपर S-400 खासा प्रभावी है। एक रेजिमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें एक बार में 72 मिसाइलें फायर की जा सकती हैं। भारत ने रशिया को इसकी पहली खेप 2021 में भेजी। भारत ने कुल 5 रेजिमेंट S-400 की खरीदी है, इसके लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला कर पाकिस्तान को
ठीक ठाक भयभीत कर देती है, और यही तो हमें चाहिए था, क्योंकि रियल युद्ध किसी दिन हो ना हो ये बात की बात है, लेकिन जो डर है वो बना रहेगा पाकिस्तान के मन में, जो 2019 में एयर स्ट्राइक के बाद हुआ था। अगर इस तरह की कोई परिस्थितियां जनरेट होती है तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एज देने वाली है। जितने भी पाकिस्तान के फाइटर जेट भारत की तरफ आने की कोशिश करेंगे उन्हें पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, ये बड़ी बात है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।